इन फ्रॉम द प्लेयर्स अ वॉल जो गॉड लाइक का नजर आ रहा है, बट बच के निकलने का एक इरादा है जोकर का। ही इज टेकिंग अप द बीटिंग। ना सिर्फ वो यहाँ पे डैमेज खा रहा है, अपने गाड़ी के ऊपर भी डैमेज लेते हुए नजर आ रहा है। बट फाइनली आई थिंक उनको थोड़ा कॉम्पाउंड मिल चुका है, कवर मिल चुका है, जहां पे अपने आप को हील करेंगे। मे बी इवन टेक दैट व्हीकल, भागने का एक मौका बन सकता है। बट उनको पता है टीम मेट्स का कवर चाहिए, टीम मेट्स का सपोर्ट चाहिए, देन ओनली दिस कैन बी कंटिन्यूड। वरना यहाँ पे ही जोकर समाप्त भी हो सकता है, अगर गॉड लाइक पुश करने का इरादा बनाती है। एंड दे आर डूइंग इट। वो नहीं रुकेंगे, वो रिवेंज लेने आए हैं, वो करके जाएंगे। जी गॉड सीधा पुश करते हुए नजर आएंगे, बट ये गोल्डन मिराडो थोड़ा सा मुश्किल में आ सकता है। पुलिस पहली ब्रीदिंग बच जरूर जाएंगे, बट पीछे से कवर फायर अगर आना शुरू हो गया आईक्यू के खिलाड़ियों की तरफ से, रॉनी जो थोड़े से डिस्टेंस में मौजूद है तो दिक्कत में आ सकता है। ब्लू जोन का डैमेज आ रहा है, बट जोकर का ये नेड सी गॉड के लिए घातक साबित हो सकता है। स्प्लैश डैमेज आएगा, अपोलो गोस डाउन, स्पावर का बेहतरीन स्प्रे, एंड उसी के साथ साथ जी गॉड को भी नॉकआउट किया जाएगा। स्पावर एक टी से दो निशाने लगा चुके आदित्य के साथ साथ, गॉडलाइक भी इस मैच से हो जाती है बाहर। आईक्यू सोल, उन्होंने कहा आप रिवेंज के लिए आए हैं, कोई बात नहीं, हम पूरा संभाल लेंगे। एंड एक कंप्लीट टीम वाइप हमें नजर आ रहा है 15वें पायदान पे। गॉडलाइक इस मैच से हो जाते हैं बाहर। I think this was just a heated overextension. गलती किया एंड यहाँ पे आईक्यू सोल प्लेड रियली वेल। जिस हिसाब से वो स्प्लिट कर रहे थे, इसलिए मैं बोल रहा था जिस हिसाब से रोटेट कर रहे हैं ना, फाइट होना मुश्किल है। एक टोली होके वो रोटेट नहीं कर रही थी, एंड जैसे जोकर फंसे आप देखिए हर एक अलग डायरेक्शन से बाकी सारे आईक्यू सोल के प्लेयर्स आते हुए नजर आए। बट